Hello friends, welcome you all on my YouTube channel on environmental science. और आज दोस्तों हम environmental chemistry का एक numerical solve करेंगे जो कि December 2018 में UGC NET ने पूछा गया था। दोस्तों question solve करने से पहले मैं सबसे request करूंगा कि आप मेरे चैनल को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरी latest video मिलती रहे। देखते हैं numerical जो December 2018 में पूछा गया था। A student prepared a calibration curve by measuring the absorbance of 5 standard solution of a compound at 300 nanometer. A cuvette with a path length of 5 cm was used in the spectrophotometer. The slope of the curve was 300 liter per mole. The molar absorptivity of the compound is. दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए थे 600, 1500, 5 to liter. मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बिना पेन पेंसिल के भी सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप यूनिट्स में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे स्लोप ऑफ द कर्व की यूनिट है और लीटर पर मोल है और लेंथ ऑफ द क्यूबिट हमें दी है 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला कुछ नहीं जानते तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 300 को डिवाइड बाय 5 करेंगे। 300 अगर डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपका आएगा 60, ठीक है 60 आएगा आपका। और जो यूनिट आएगी आपकी वो आएगी दोस्तों लीटर मोल माइनस 1 और सेंटीमीटर -1। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिना कॉन्सेप्ट जाने हम यूनिट को बैलेंस करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं जो इसका आंसर है ए। तो ये तो रहा दोस्तों शॉर्टकट मेथड जो हम बिना कॉन्सेप्ट जाने कर सकते हैं। देखते हैं इसका ओरिजिनल मेथड कन्वेंशनल मेथड जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसको फॉर्मूले की जरूरत है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की जरूरत है। इसका फॉर्मूला था स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द क्यूवेट। तो स्लोप ऑफ लाइन ऑफ द बेस्ट फिट हमें दिया है 300 लीटर पर मोल, लेंथ ऑफ द क्यूवेट 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों वैल्यू को हम फॉर्मूले में रख देंगे और इन दोनों को फॉर्मूले में 300 डिवाइड बाई 5 तो हमारा आंसर आ गया 60 लीटर मोल इनवर्स पर सेंटीमीटर। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।